हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर एक नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। आज बात करेंगे बिहार BPSM के बारे में। जी फ्रेंड्स, अभी जो है बिहार प्रशासनिक सुधर मिशन सोसाइटी के अंतर्गत आई हुई एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो पद जो है हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजर के लिए आप लोग का अभी जो है आउटसोर्सिंग आधार पर यहाँ पर जिज्ञासा किया गया है, डिमांड किया गया है कि ये जो है 3 अलग अलग पदों पर आप लोग का भी भर्तियाँ लिया जाएगी, जिसके लिए आप लोग का अंतिम तिथि जो रखा गया है वो 8 तक रखा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में स्पेशल आप लोग को शॉर्टकट तरीके से जानकारी देंगे कि ये जो भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हो सकते हैं और ये जो है पोस्ट वाइज कितनी आप लोग का जो है संख्या रखी गई है और अधिक जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा हर एक जानकारी के लिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं जो कि बिहार सरकार द्वारा अभी जारी किया गया है। तो अभी जो है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जानकारी मिल रही है कि आउटसोर्सिंग के आधार पर जिज्ञासा, जी फ्रेंड्स, डिमांड है कि 10 जो हेल्पलाइन और हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव के 2 और 2 जो है सुपरवाइजर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित सूचना, जो कि सूचना जो है संख्या 02/2020 के अंतर्गत लिया जाएगा। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग को ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भर के जमा करना होगा, जिसका लास्ट डेट 8/4/2020 तक रखा गया है। तो BPSM की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ये PDF डाउनलोड की है। तो आप लोग को बता दें 6 पेजों पर यह जानकारी दिया जा रहा है कौन कौन लोग यहाँ पे जो है शामिल हो सकते हैं। तो चलिए आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे बताते हैं। तो सेवा शर्तें कुछ इस प्रकार से रखी गई है कि पॉइंट नंबर 1 की सभी पदों के लिए, ठीक है, आप लोग का अंग्रेजी एवं हिंदी का बेहतर ज्ञान होना चाहिए, यानी कि बोलना आना चाहिए, ठीक है, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। इसी के साथ आप लोग को बिहार राज्य एवं सरकारी विभाग के कामकाज का सामान्य ज्ञान होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान और आप लोग का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसी के साथ 18 वर्ष आप लोग का आयु होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम सभी जो है आप लोग का अपने अपने कैटेगरी के अनुसार अधिकतम रखा गया 40-42 कुछ इस प्रकार, ठीक है। उसी के साथ देख पाएंगे यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि 3 पदों के लिए हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजर के लिए आप लोग का एजुकेशन वो है स्नातक पास रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे इसके साथ साथ जो है तकनीकी निविदा भी आप लोग का रखा गया है, यानी कि जब आप लोग फॉर्म भरेंगे उसके साथ साथ क्या सब अटैच करेंगे वो आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। तो फॉर्म जब आप लोग भरेंगे उसके साथ साथ ये प्रमाण पत्र आप लोग को जो है संकलन करना अनिवार्य है। देख पाएंगे तकनीकी निविदा निम्नलिखित कागजात को संकलन किया जाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले देख पाएंगे कॉम्प्लेक्स एक्ट के तहत जो कंपनी की जो है निबंध होने के प्रमाण पत्र, GST संख्या या फिर GST निबंध का प्रमाण पत्र या फिर छायापति आप लोग को यानी कि फोटोकॉपी संकलन करना होगा। 3 वर्ष का जो है आयकर रिटर्न या फिर पैन कार्ड या फिर छायापति संकलन करें। EPF जो है संख्या एवं प्रमाण पत्र की छायापति संकलन करें। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें यहाँ पे ये जो अभी आप लोग का आपातकालीन भर्ती लिया जा रहा है, जितनी भी जो है कर्मी है ओल्ड एज कर्मी, उनके लिए स्पेशल ये जो है निविदा है, उनके लिए जो है जिज्ञासा है, डिमांड है, उनके लिए फॉर्म अभी आई हुई है। देख पाएंगे ये जो है फॉर्म उनको जो है भर के जमा करना होगा जो लोग जो है जिनका यहाँ पे तकनीकी निविदा है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहेंगे ये बिहार से रिलेटेड अभी आई हुई थी, तो अलर्ट वीडियो था, आप लोग को जानकारी देना था। अब आप लोग को बता दे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद के लिए अभी आज ही का डेट से आप लोग का 11:00 से ऑनलाइन अप्लाई होने जा रही है, जिसके लिए आप लोग का ग्रेजुएशन पास रखा गया है। आप लोग जो है अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमने जो है वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके तत्पश्चात आप लोग ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, अलर्ट करना था, जानकारी देना था। तो बिहार की बहुत जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।